फिर से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनियर बाय की। जैसा कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल में देखा कि आप लोगों को भी न्यू बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ सकती है पेनियर बाय में ऐड करने के। दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें तभी वीडियो पूरी समझ में आएगी। दोस्तों को शेयर कर दीजिए तब आप लोगों को दोस्तों को प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, फुल वॉच करें और इसमें आप लोगों को 10 रुपये का रिडीम कोड मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं देना है। रिडीम कोड आप लोगों को 10 रुपये का मिलना ही मिलना है। पहले बोलना चाहता हूँ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो मैं डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जो भी वीडियो भविष्य में मैं सबसे पहले डालूंगा आप लोगों के पास सबसे पहले पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, यहाँ पे आने के बाद अपना पे नियर बाय मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन होके आ जाएगा। ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके थोड़ा सा वेट कर लें, वेट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लें, वेट करने के बाद कुछ इस तरीके आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। खुल के आने के बाद यहाँ पे आप लोग अपने पूरा पे नियर बाय ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे जैसे करोगे तो इसको आप कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे वॉलेट पे आ जाना, वॉलेट देख लेना आपको कितना बैलेंस पड़ा हुआ। इसमें से बैलेंस कट जाता है दोस्तों, यहाँ पर न्यू बैंक अकाउंट ऐड करने से बैलेंस कट जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को पता है कितने सर्विसें आप लोगों को मिलती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, थ्री डॉट देखना है यहाँ पे साइड में। तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोफाइल पे आ जाना। प्रोफाइल पे आने के बाद कुछ इस तरीके का लोडिंग लेगा आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लें, वेट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद प्रोफाइल पे यहाँ पे KYC आप लोगों को देख सकते हैं, KYC बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट ऐड करनी है दोस्तों, यहाँ पर बैंक अकाउंट पर क्लिक करके थोड़ा सा वेट कर लेना है। और यहाँ पर आप लोगों को अपने बैंक की डिटेल चेक कर लेनी है, आप इसे हटाना चाहते हो या नहीं हटाना चाहते। तो मैं इस पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, आपके बैंक अकाउंट डिटेल सारी आ गए, कितना ट्रांजेक्शन आप लोगों ने किया, मनी ट्रांसफ़र किया, ये सारी चीज़ आ गई चुकी। दोस्तों हम न्यू बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, नीचे देख सकते हो अब न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले अकाउंट नंबर ऊपर डाल लेना। ऊपर डालने के बाद यहाँ पे आप लोग सबसे पहले आप लोगों को अकाउंट नंबर डाल लेना। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों के सामने अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मेरा अकाउंट नंबर पड़ चुका है। यहाँ पर नीचे भी आना, नीचे भी अकाउंट नंबर आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना, जैसा कि सेम होना चाहिए दोस्तों, अगर गलत होगा तो दिक्कत होगी। दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे आप लोगों का क्या नाम है वो नाम मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों अपना ही डालना है दोस्तों, दूसरे का नहीं डालना है, दूसरे के बैंक अकाउंट में। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों की कौन सी ब्रांच है दोस्तों, यहाँ पर कौन सी बैंक आप लोगों की है भाई, बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जैसा कि दोस्तों मैं मेरी कौन सी बैंक है, पेटीएम बैंक है। तो दोस्तों मैं पेटीएम बैंक यहाँ पे ढूंढ के मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मेरी पेटीएम बैंक कहाँ पे है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मेरी पेटीएम बैंक है। तो यहाँ पे दोस्तों इस बैंक को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट करने दोस्तों, आप लोगों के बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल सही से चेक कर लीजिए, सही से भरा हुआ या नहीं। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को सबमिट कर देता हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैं सबमिट कर दूँगा, यहाँ पे मेरे बैंक पे मैसेज आ जाएगा। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, प्लीज़ वेट यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे यस कर देना दोस्तों। यहाँ पे यस करने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को वेट कर देना, जैसा कि दोस्तों आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ, यस करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लगा, आप लोगों के मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों OTP आ जाती है, तो यहाँ पे OTP आप लोगों को, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरी OTP आ चुकी है। यहाँ पे मैं OTP अपना फिल कर लेता हूँ, फिल करने के बाद यहाँ पे इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। जैसा कि दोस्तों यहाँ सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे दोस्तों हमको डन कर दें। डन करने के बाद आपके बैंक वॉलेट से कुछ पैसा कट जाएगा, 2-3 रुपये आप लोगों को कट जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिडीम कोड की। दोस्तों आप लोगों को रिडीम कोड मैं देने वाला हूँ बिल्कुल 100%। तो दोस्तों हो जाइए फटाफट तैयार, मिलने वाला है 10 रुपये का बिल्कुल रिडीम कोड फ्री। तो दोस्तों सबसे पहले मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे 10 रुपये अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लें, जैसे थोड़ा वेट कर लेंगे यहाँ पे मैं अपना एम पिन डाल लेता हूँ। एम पिन डालने के बाद हो जाइए बिल्कुल तैयार। तो दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में रिडीम कोड मिलने वाला है दोस्तों।
जैसा कि थोड़ा सा यहाँ वेट कर रहे हैं। वेट करने के बाद जल्दी से जाओ दोस्तों, बिल्कुल हो जाइए तैयार, यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाला है फ्री में रिडीम कोड। तो जाइए दोस्तों फटाफट रिडीम कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि दोस्तों मुझे मिला है या नहीं मिला है। तो दोस्तों अपने दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो कौन सी बनाए और मुझे रिडीम कोड कितने का चाहिए। दोस्तों हर वीडियो में तो आप लोगों को पता ही होगा 10 रुपये का रिडीम कोड मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में। चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।